हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू वन मैथ टेल फ्रेंड्स आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है जेई मेन टू ट्वेंटी वन के एग्जाम में पूछा गया था इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन एक्स माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू माइनस टू एंड के वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू सिक्स यहाँ पर के एक रियल नंबर है हमको बताना है कि ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई करके कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा सो वी विल स्टार्ट और हम इसमें एक अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे मे बी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इसको ना पढ़े ये मेथड बट आई होप अगर पढ़े हों तो अच्छी बात है बट अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक नया तरीका जानने को मिलेगा क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स फर्दर अगर आगे पढ़ेंगे तो ये आपको मेथड बहुत ही यूजफुल रहेगा सो हियर वी स्टार्ट मेकिंग एन अगुमेंटेड मैट्रिक्स एंड वन माइनस टू एंड यहाँ पर जेड काफिशियंट क्या है ज़ीरो है सिमिलरली वन माइनस वन एंड के यहाँ पर एक्स वाई जेड के कॉफिशियंट हम लिख रहे हैं रो वाइज यहाँ पर क्या है जीरो वाई का कॉफिशियंट के है एंड जेड का कॉफिशियंट फोर है देन जो बी होगा कलम वो होगा वन माइनस टू सिक्स नाउ वी परफॉर्म रो ऑपरेशन हमको इस एलिमेंट uh, को uh, यानी ए टू वन को हमको करना है जीरो सो वाट विल डू आर टू रिप्लेस बाई आर टू माइनस आर वन एंड वी विल गेट वन माइनस टू जीरो जीरो माइनस वन माइनस माइनस टू दैट विल बी द प्लस वन एंड के माइनस ज़ीरो विल बी के थर्ड रो विल बी एज इट इज़ एंड नाउ 1 टू minus माइनस minus that will be the द माइनस uh, this will be the 6 दिक्स okay? Yes, now नाउ what we further do? हमको चूँकि जो ये हमारी मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं अगमेंटेड uh, मैट्रिक्स को ये हमारी कॉफिशियंट मैट्रिक्स ए है और ये बी कॉलम है तो हमको इसको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक थ्री थ्री टू वन जो है या सॉरी ए ए थ्री टू जो है ये हमारा क्या है के है इसको भी हमको ज़ीरो करना है सो हाउ विल यू डू आर थ्री रिप्लेस बाई आर थ्री माइनस के आर टू इसमें अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें और इससे इसको माइनस करें तो ये हमारी एंट्री जीरो हो जाएगी सो दैट विल बी द वन माइनस टू जीरो जीरो वन के जीरो ज़ीरो अब यहाँ के से ये माइनस ये करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर देन फोर माइनस के स्क्वायर सिमिलरली इधर क्या होगा वन माइनस थ्री एंड सिक्स प्लस थ्री के राइट right. यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यस इट इज़ ट्रू सिक्स माइनस थ्री के अब ये हमारी मैट्रिक्स जो है अपर ट्रेंगुलर में आ गई है यहाँ पर एक रूल को ध्यान रखना है कि सल्यूशन्स एग्जिस्ट कब करेंगे यहाँ पर कितने टोटल वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड इस सिस्टम में तीन वेरिएबल दिए गए हैं ठीक तो जब तीन वेरिएबल दिए गए हैं हमारा सल्यूशन यूनिक कब होता है हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है कि जब रैंक इसकी और इसकी यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इसको हम लिख देते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ये ए बी था जो भी मैं लिखा हुआ हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू एन एन क्या है नंबर ऑफ अनोन यहाँ पर नंबर ऑफ अनोन कितने हैं एक्स वाई जेड हैं ठीक अब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन एन ये कब होगा ये होगा यूनिक सोल्यूशन के लिए एंड ये होगा इनफाइनाइट मेनी सल्यूशन के लिए सिमिलरली वैन रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी देन नो सल्यूशन ये आप कह सकते हैं इसको नोट में लिख सकते हैं ये एक रूल है किसी भी मैट्रिक्स को हमको या सिस्टम को सॉरी इसकी हमको सिस्टम का हमको कंसिस्टेंसी बतानी है तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन हमारा कब होगा जब रैंक ए यानी कि रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नन जीरो रो इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स अगर आप कोई मैट्रिक्स आपको दी गई जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स थी उसको मैं परफॉर्म करते हुए लाया तो हमारी मैट्रिक्स ए जो है ये किस में हो गई अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हो गई तो नंबर ऑफ नन जीरो रोज़ इन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स नन जीरो रो यानी कि अगर हमको इसकी रैंक यू कितनी है एन एन यहाँ पर क्या है थ्री है क्योंकि यहाँ पर तीन दिए गए हैं वेरिएबल तो रैंक अगर तीन लानी है तो इसको नन जीरो होना पड़ेगा गॉट इट इससे मतलब ही नहीं है कोई सिर्फ हमारी रैंक इससे मतलब है क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ़ नन जीरो रो ये है तो इसमें भी तीन ही रहेगी क्योंकि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यही बनेगी सो रैंक सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर माइनस के स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज के स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू फोर इम्प्लाइज के डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू ये किसके लिए है फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए ओके सो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए के प्लस माइनस दो के बराबर नहीं होना चाहिए दूसरा देखते हैं हम नो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मेनी सोलू के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी जीरो हो जाए ये भी जीरो हो जाए तो रैंक कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी क्योंकि ये रो पूरी जीरो हो जाएगी और रैंक फिर कितनी बचेगी दो बचेगी लेकिन वो किससे छोटी होगी नंबर ऑफ अन से, से यहाँ पर नंबर ऑफ अनोन थ्री है इन कंडीशन क्या है रैंक ऑफ एक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन बी सो फोर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड सिक्स प्लस थ्री के इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज़ फोर इक्वल टू के स्क्वायर एंड थ्री के इक्वल टू माइनस सिक्स एम्प्लाइज़ के इक्वल टू माइनस टू यहाँ से हो गया एम्प्लाइज़ के इक्वल टू प्लस माइनस टू यहाँ से हो गया ठीक तो दो कंडीशन हमको मिल गई k इक्वल टू प्लस माइनस टू के इक्वल टू माइनस टू बट इसका इंटरसेक्शन लेंगे अगर आप यहाँ पर देखो दो रखो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स एंड सिक्स इज ट्वेल्व बट यहाँ पर क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर फोर फोर माइनस फोर जीरो बट यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो वो किस केस में आ जाएगा वो नो सोल्यूशन के केस में आ जाएगा ओके तो यहाँ पर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पर क्या है के इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर क्या है के इक्वल टू प्लस माइनस टू के इक्वल टू माइनस टू अब आप माइनस टू रख कर देखिए थ्री माइनस टू माइनस सिक्स तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो यहाँ पर भी माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर तो फोर माइनस फोर जीरो यानी ये भी जीरो ये भी जीरो तो रैंक इसकी क्या हो गई इसकी पूरी नंबर ऑफ़ नन जीरो रो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो नंबर ऑफ नन जीरो रो इसको पूरे लेंगे तब भी ये रो इसमें आ ही जाएगी तो ये भी दो हो जाएगा तो इनफाइनाइटली मनी सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए के इक्वल टू माइनस टू एंड अब आगे हम थर्ड पे अगर देखते हैं तो थर्ड पे क्या होगा थर्ड पे नो no सोल्यूशन के लिए कब होगा जब ये ज़ीरो हो लेकिन ये जीरो ना हो ओके देन फोर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड सिक्स प्लस थ्री के डज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस टू एंड के डज नॉट इक्वल टू माइनस टू ओके सो सिस्टम हैज़ नो सोल्यूसन इफ के इक्वल टू माइनस टू क्योंकि इनका दोनों क्या लेंगे हम इंटरसेक्शन लेंगे तो के इक्वल टू माइनस टू के लिए हमारा नो no सल्यूशन आएगा इंप्लाइज के इक्वल टू माइनस टू माइनस टू रखेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी 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 यहाँ पर के इक्वल टू प्लस टू होगा माइनस टू नहीं होगा नो सोल्यूशन लिए देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन सो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सो सिस्टम हैज़ इन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन इफ के इक्वल टू प्लस माइनस टू फर्स्ट में देखिए यूनिक के लिए क्या आया था के इक्वल टू प्लस माइनस टू ये ट्रू है सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन इफ के इक्वल टू टू नहीं ट्रू होगा ये पार्सली ट्रू है क्योंकि प्लस माइनस दोनों की हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ओके सो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन के इक्वल टू माइनस टू सिस्टम हैज यूनिक सोलूशन के इक्वल टू टू यहाँ पर आई थिंक दोनों मेरे हिसाब से आने चाहिए ऑप्शन या आप बी सी कर सकते हैं बट फॉर बेटर मैचिंग आपको ए ही टिक करना है देन डी ऑप्शन क्या है द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन इफ के इक्वल टू टू तो ये भी ट्रू रहेगा क्योंकि आप इसको यहाँ पर जब ट्रू यहाँ पर टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेल्व और ये हो जाएगा जीरो तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर जब जीरो होगा तो इसकी रैंक हो जाएगी दो और इसकी रैंक हो जाएगी तीन तो ये हमारा ऑप ये हमारी जो कंडीशन है ये होल्ड कर जाएगी सिमिलरली द सिस्टम हैज इन फाइनेट मेनी सोल्यूशंस इफ के इक्वल टू माइनस टू गलत क्योंकि मैंने किसके लिए प्रूफ किया है अभी यहाँ पर आप माइनस दो के लिए देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर माइनस दो रखेंगे तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा तब हमारा इन्फाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा तो यहाँ पर होना चाहिए था कि इक्वल टू तो माइनस टू अगर इस ऑप्शन को ट्रू होना था तो इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं और इसको दोनों को आप कह सकते हो कि पार्शियली ट्रू है इसलिए हम बी और सी इकट्ठा ऑप्शन अगर लगाएंगे तो ट्रू होगा लेकिन वो इसमें आ रहा है सो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये ट्रू है सो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये काफ़ी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसको आप देख सकते हैं और आगे भी आपको काफ़ी मदद करेगी थैंक यू वेरी मच